लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा और आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभार। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। अदालत के आदेश पर हिरासत में ललितपुर विधायक। अदालत में लंबित एक मुकदमे में अभियुक्त ललितपुर के सदर विधायक रामरतन कुशवाहा को अदालत के आदेश पर 2.5 घंटे हिरासत में बिठाए रखा गया। विधायक रामरतन कुशवाहा के ऊपर 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान धारा 144 के उल्लंघन किए जाने का मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में गुरुवार को अदालत में समर्पण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। विधायक को न्यायिक हिरासत में लिए जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है और विरोधियों को एक मुद्दा मिल गया है। ललितपुर से इमरान खान की रिपोर्ट। और मैंने अनुमति लेकर पब्लिक में संपर्क के लिए अपना थोड़ा जुलूस निकाला था, लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार होने के कारण उन्होंने मेरे जुलूस के आधार पर धारा 144 का उल्लंघन मानते हुए मुझ पर मुकदमा दर्ज कर दिया था। आज मुझे अदालत से सम्मन प्राप्त हुआ था। मैंने स्वयं उपस्थित होकर के अपने आप को अदालत में सरेंडर किया और अदालत ने सरेंडर के बाद मुझे विधिवत जमानत दे दी है और अगली तारीख 24/10 नियुक्त कर दी गई है। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें।